अशोक गहलोत तुझे चुनौती देता हूं, तू जोधपुर में रहता है और जोधपुर में रहने के बाद अगर तू वास्तव में इस पीड़ा को नहीं समझता है, जो बच्चा सड़क पर छिटूर रहा है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, जो नाजुक जीवन जी रहा है और तू उसके वोटों के आधार पर यहां आकर के ये घमंड करता है कानून लागू होने का, तू क्या तेरी सास पीढ़ी भी इस कानून को लागू करेगी? संविधान की शपथ देते हैं, बड़ी बात करते हैं, संविधान की शपथ देते हैं, मुख्यमंत्री के नाते खड़े होते हैं, मैं संविधान की शपथ देता हूँ, कहाँ गई है वो तेरी शपथ? ये हिंदुस्तान का संविधान का अमेंडमेंट कौन करता है? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट करती है नहीं करती है? और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जब पास कर लिया तो तेरी क्या औकात है जो भ्रमित करता है केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वोटों की खेती पकाने के लिए? तुमने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा 70 साल तक। ये तो एक बहादुर देश का प्रधानमंत्री आया जिसने इस पीड़ा को समझकर आज उन नारकी जीवन से बाहर निकालने के लिए जो कानून लेके आया ना, देशभक्त लोगों गांव गांव जाकर के इस बात का समर्थन करो, लोगों को समर्थन में जुटाओ, लोग देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें। कुछ लोग जरूर निकाल रहे हैं, कुछ थोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए ये कोई तरीका नहीं है। बांग्लादेश में 22% मुसलमान थे, हिंदू थे उस समय जब देश विभाजन हुआ, 22%। आज बांग्लादेश में जबकि हमने बांग्लादेश बनाया, इक्वेटर में हमारी सेना ने बनाया, पाकिस्तान को तोड़ करके बनाया, लेकिन उसमें भी आज की तारीख में केवल 7% हिंदू रह गए। कहां गए रे दोस्तों, कहां गए? ये जो अफगानिस्तान को तुम कह रहे हो ना, देश की आजादी के समय अफगानिस्तान में 2 लाख सिख थे, 2 लाख, आज कितने सिख बचे? 500। कहां गए रे ये? इस विषय को बता कम से कम, आखिर वो कौन सा देश थे जहां मुस्लिम जिन्होंने अपना राज धर्म बना दिया? हमने मुस्लिम और हिंदू धर्म नहीं बनाया, हम पंथ निरपेक्ष देश बनाया और इसके कारण से सब सम्मान के साथ आज भी यहां रह रहे हैं। तुमने जिस प्रकार का वोटों की खेती पकाने के लिए ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकी है ना, पहली बार मर्द प्रधानमंत्री आया है जिसने तुम्हारी छुपा